मंदसौर की खबर है। मंदसौर के वाईडी नगर थाना क्षेत्र में दो परिवारों में विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों ओर से फायरिंग की गई। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि मुल्तानपुरा गांव में खेत में मवेशी घुसने को लेकर आबिद सुखाड़िया और नीलगढ़ परिवार में विवाद हुआ था। इसके बाद बाइक पर आए 2 युवकों ने आबिद पर गोली चला दी। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई और उसके बाद दोनों परिवार में खुलेआम फायरिंग हुई है। एसपी अभिषेक आनंद ने बताया है कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और साथ ही 4 अधिकारियों की टीम का गठन भी किया गया है। गोपाल बोले ने पीछे से पकड़ा मामू को, उसके चोरों ने तीनों डंडे से मारा। इसके चोरों ने डायरेक्ट आकर फायरिंग करी। मैंने कहा मत चलाओ। अफजल मतारी के चोरों ने डायरेक्ट गोली चलाई, अफजल मतारी ने भी चलाई, मैं गोपाल बोले ने चली तो मेरे हाथ में से फायरिंग होकर मेरा कालू जी के सीने में घुस गई, उनका इंतकाल हो गया। गोपाल भाई डांडे इनके खेत में चले गए थे, ये 25-30 आदमी तलवार धारे बंदूक लेके आए, गोली चली मेरे पे, बीच वालों पे भी हमारे पे, मेरे चोरे के मारी। फिर तो गोपाल भाई उन्होंने चली आमने सामने चली गोली, सेल्फ डिफेंस, मतलब गोपाल भाई में बंदूक लगी, मैं नीचे गिर गया, उस पर गोली चली गोपाल भाई ने। अरे मुझे 2 निहारगढ़ परिवार और जो मथारिया परिवार जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, दोनों के बीच में जो विवाद हुआ, इसमें टोटल 7 लोग जो है हॉस्पिटल आए, जिसमें 1 की डेथ हो गई, बाकी 6 अभी इलाजरत है। इसमें गोली अभी प्राथमिक सूचना जो मिली है, इसमें डॉक्टर से बात करने जो वुंड है वो गोली का वुंड है। इसके अलावा 1 व्यक्ति है उसको तलवार भी लगा है, तो पूरी चीज अपन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।